नमस्कार। कक्षा 9 एक्सरसाइज 2.2 क्वेश्चन नंबर 3 है। सत्यापित कीजिए कि दिखाए गए मान निम्न स्थितियों में संगत बहुपद के शून्यक हैं। अब ये देखिए, हमारे पास एक बहुपद दिया है px बराबर 3x प्लस 1 और एक मान दिया हुआ है x का x बराबर माइनस 1/3। ये इसका मान दिया हुआ है। देखो, बहुपद यहीं तक था क्योंकि इसके आगे सेमी कॉलन लग गया। आगे जो दिया है x बराबर माइनस 1/3, ये इस बहुपद में x का मान है। हमें देखना है कि क्या ये इसका मान है, इसका शून्यक है या नहीं है। तो हम लिखेंगे, यदि x बराबर माइनस 1/3 px इस बहुपद का नाम है और कुछ नहीं, px इस बहुपद का नाम है, का शून्यक है तो यदि x बराबर माइनस 1/3 px का शून्यक है तो इसका मतलब p ऑफ माइनस 1/3 जो भी यहां x की वैल्यू दिया वो अब यहां x की जगह आ जाएगी। ये 0 के बराबर होना चाहिए। अब इस बात को बच्चों ध्यान से समझना कि यदि हम कहते हैं कि 3x प्लस 1 का एक शून्यक है माइनस 1/3, तो इसका मतलब ये होता है कि p ऑफ माइनस 1/3 0 के बराबर होगा। हम देखते हैं कि 0 आता है कि नहीं आता है। कैसे देखेंगे, ध्यान से देखना। इस रकम में, ये जो रकम थी ऊपर px बराबर 3x प्लस 1, इसमें x की जगह मैं लिखूंगा माइनस 1/3, तो देखूंगा ये 0 के बराबर आया या नहीं आया। ठीक है बच्चों, देखो ध्यान से, px किसके बराबर है, 3x प्लस 1 के, तो 3 की जगह 3, x की जगह माइनस 1/3, x की जगह माइनस 1/3, देखो है ना, x बराबर माइनस 1/3, x की जगह माइनस 1/3, आगे है प्लस 1, ये आना चाहिए 0 के बराबर। देखो px बराबर 3x प्लस 1 है, तो p ऑफ माइनस 1/3, यदि x बराबर माइनस 1/3 px का शून्यक है तो p ऑफ माइनस 1/3 0 के बराबर होना चाहिए। यानी इस रकम में जो भी x का मान दिया है, x की जगह वो वैल्यू रखेंगे, देखेंगे 0 आता है कि नहीं आता है। अब देखो ध्यान से, इसमें देखें तो ये 3 से 3 कट गया है ना, बाकी क्या बच गया, माइनस 1 प्लस 1 बराबर 0। अगले स्टेप में माइनस प्लस माइनस 1 में से 1 गया, 0 बराबर 0। अब देखो, लेफ्ट साइड भी 0 आ गई, राइट साइड भी 0 आ गई, इसका मतलब लेफ्ट हैंड साइड बराबर है राइट हैंड साइड के, इसका मतलब, अतः हमें कहा गया था सत्यापित कीजिए, तो मैं यही लिख रहा हूं, सत्यापित हुआ कि क्या सत्यापित हुआ कि x बराबर माइनस 1/3 px का शून्यक है। x बराबर माइनस 1/3 px का शून्यक है। यदि ये लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर नहीं आती तो हम कहते कि सत्यापित हुआ कि यह px का शून्यक नहीं है। ठीक है, आइए हम इसका कोई और उदाहरण देखते हैं। देखो इसका सेकंड भाग है, px बराबर 5x माइनस पाई, जहां पे x की वैल्यू है 4/5। तो जैसा मैंने यहां लिखा था बिल्कुल वैसा ही हम लिखेंगे, बिल्कुल वैसा लिखेंगे। यदि x बराबर 4/5 px का शून्यक है तो p ऑफ, जो x की वैल्यू दिया है 4/5, तो p ऑफ 4/5 जो है वो 0 के बराबर होना चाहिए। तो फिर से अब क्या करेंगे, ये जो px था यहां पे x की जगह लिख देंगे 4/5, यहां पे है 5 गुना x, x की जगह लिखना है 4/5, आगे है माइनस माइनस, आगे है पाई, ये 0 के बराबर होना चाहिए। आइए देखते हैं है कि नहीं है। अब 5 से 5 कट गया, बाकी बच गया 4 माइनस पाई बराबर 0। अब ये पाई की जो वैल्यू है वो है 22/7 या 1.3
3.14 सॉरी, हाँ पाई की वैल्यू है 22/60 या 3.14। चार में से ये माइनस करने पर जीरो नहीं आ रहा है ना, यहां है 4 माइनस पाई, यहां है जीरो, ये तो दोनों बराबर नहीं हुए। तो हम लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड एल एच एस, लेफ्ट हैंड साइड जो है बराबर नहीं आई राइट हैंड साइड के, ये बराबर के ऊपर काटा मार दो तो ये बराबर नहीं आई, अतः सत्यापित हुआ कि x बराबर 4/5 पी एक्स का शून्यक नहीं है। ठीक है, अगर लेफ्ट हैंड साइड राइट साइड के बराबर आती तो हम लिखते कि शून्यक है, यह बराबर नहीं आई तो हम लिख रहे हैं कि यह है x बराबर 4/5 पी एक्स का शून्यक नहीं है। ठीक है बच्चों, इसके बाकी भाग देखने के लिए आप मेरे बाकी वीडियोस देख सकते हैं।